Hello dear students, welcome to English class. So in today's class we are going to start our new chapter from grammar book. The name of the chapter is Adverbs. Okay, so in this chapter we are going to learn what are adverbs and what are the different kinds of adverbs. Okay, so first of all, students, don't get confused between the adjective and the adverb. Adjective or adverb mein aapko confuse नहीं होना है, बिकॉज एडजेक्टिव तो होता है जो चीज़ों की विशेषता बताता है, चीज़ों की क्वालिटी क्वांटिटी बताता है, ओके, उनके बारे में बताता है, ओके. एंड व्हाट इज एडवर्ब? नाउ एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाइज वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड सम मोर एडवर्ब्स. ओके, इट मीन्स एडवर्ब्स जो वर्ब्स हम लिखते हैं उन्हें मॉडिफाई करने का काम करता है. अगर हम कहीं पर एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उन्हें मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब करता है. ओके, ये द एडवर्ब आर द वर्ड्स दैट टेल्स अस दैट एन एक्शन हैज व्हेन एन एक्शन टू प्लेस, वेयर एन एक्शन टू प्लेस, हाउ इट टू प्लेस एंड हाउ ऑफन इट टू प्लेस. ओके, इट मीन्स कोई भी एक्शन कहाँ हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है और कितनी बार हुआ है, इन सब का जवाब हमें किससे मिलता है? एडवर्ब से मिलता है. ओके, सो क्लियर? सो दीज आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स द वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स. ओके, एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और कुछ और एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं. जैसे कुछ वर्ड्स लाइक वी कैन टेक फ्रीक्वेंटली, स्लोली, हेयर, देयर, ऑफन, sometimes, rarely, regularly, ये जो words हैं ये adverbs की category में आते हैं. Okay, so adverbs are the words that describe the verbs, adjectives and some more adverbs. Or we, in other words, we can also say adverbs are the words that modifies verbs, adjectives and some another adverbs. Clear? So words like daily, somewhere, quickly, calmly, regularly, freely, silently, near, soon. तो ये सारे words adverb में आते हैं. मतलब जो भी words हमें बताते हैं कि कोई भी action कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कितनी बार हुआ है, वो adverbs होते हैं. अब जैसे when में कौन कौन से words आते हैं, one list is there, so I am going to tell you some words. When में जैसे after, before, early, now, since, soon, today, tomorrow, ये क्या है? ये when में आते हैं. ओके, मतलब वो काम, it the work has happened after something or before something. ओके, early or soon, now. ओके, next where, कि कोई भी action कहाँ हुआ है, like above, below, everywhere, far, near, here, inside, outside, ये सारे वर्ड्स आते हैं वेयर की कैटेगरी में. ओके, नेक्स्ट इज हाउ, मतलब कोई भी एक्शन कैसे हुआ है, दैट इज कामली, ब्यूटिफुली, एक्साइटेडली, हैप्पीली, जॉयफुली, सैडली, स्लोपीली या एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट इज हाउ ऑफन, इट मीन्स कितनी बार होता है वो काम, ये कितनी बार हो चुका है. ओके, लाइक ऑलवेज, डेली, frequently, never, once, rarely, seldom, sometimes. तो इस तरह के वर्ड्स आते हैं how often की कैटेगरी में. क्लियर? सो दीज आर द सम ऑफ द वर्ड्स दैट आर नोन एज एडवर्ब्स. ओके, सो द वर्ड्स दैट टेल्स अस द वेयर द एंड हाउ एंड व्हेन द एक्शन टुक प्लेस. मीन्स कोई भी एक्शन कहाँ हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है और कितनी बार हुआ है, उन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं. ओके, क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव सम एग्जाम्पल्स. फ्रॉम दोज एग्जाम्पल्स इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो वी आर गोइंग टू अंडरलाइन सम एग्जाम्पल्स. ओके, सो लेट्स गो थ्रू दैम. सो फर्स्ट वन, लाइक यू मस्ट वर्क हार्ड इफ यू वॉन्ट टू डू दिस एक्सरसाइज करेक्टली. सो इन दिस सेंटेंस विच इज एडवर्ब, You must work hard. मतलब काम कैसे करना है? Hard. मेहनत करनी है ना ज़्यादा. So hard क्या हो गया? Adverb. If you want to do this exercise correctly. So correctly भी adverb है. Okay? Because it is showing the manner.
So correctly is a manner. Okay. Next, Richard ate his breakfast fast, then ran quickly to school. So इसमें Richard ate his breakfast fast. कैसे खाया उसने? जल्दी जल्दी खाया. तो तरीका बता रहा है ना. तो यहाँ पर जो fast है ये adverb है. Then ran quickly to school. In which manner he went to school? He went quickly. So quickly भी adverb है. Okay, next. The school team played well and won its game easily. So जो school team है उसने game कैसा खेला? Well. मतलब अच्छा खेला. And won its game easily. So यहाँ पर well और easily ये दोनों adverb है. Because well जो word है ये बता रहा है कि game कैसा खेला, अच्छा खेला. Okay? और जो easily है ये भी आपको manner बता रहा है. तो ये दोनों ही एडवर्ब हैं. ओके, नेक्स्ट कम हेयर. ओके, सो यहाँ ये आपको कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है? वेयर. कम हेयर कहाँ आना है? यहाँ आना है. तो हेयर जो है ये एडवर्ब है. नेक्स्ट डिड यू गो देयर, ये भी हेयर भी एडवर्ब है. ओके, नेक्स्ट सम मोर एग्जांपल्स. द बर्ड सैंग स्वीटली, मतलब चिड़िया ने कैसा गाना गाया या पक्षी ने कैसा गाना गाया? स्वीटली, मीठा. Sweetly is adverb. It is, the word sweetly is telling you the manner. Okay. Next, the man spoke slowly. So slowly is adverb. The children played happily. Okay. So here adverb is kya adverb hai? Happily adverb hai. Okay. The boy wrote his paper badly. Again, badly is adverb. So students don't get confused ki jisme ly lagta hai wahi adverb hota hai. Ye zaruri nahi hai. एडवर्ब्स कोई भी हो सकते हैं, लाइक समटाइम्स है, रेयरली है, सून है, फ्रीक्वेंटली है, हियर है, देयर है, नियर है, नेवर है. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब्स होते हैं. मेनली आपको ये देखना है वेदर दे आर मॉडिफाइंग और डिस्क्राइबिंग द वर्ब एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. ओके, नेक्स्ट द वुड कटर लुक्ड सैडली. सो हियर एडवर्ब इज यस सैडली. When he saw his eggs, he smiled happily. जब उसने अपनी eggs देखी तो उसने बहुत खुश होकर smile किया. So happily is also adverb. Next, every soldier fought bravely. So bravely is adverb. Okay? So from these examples, I hope that you have understood what are adverbs. So just आपको ये definition learn याद रखना है students कि adverbs क्या होते हैं. जो वर्ड्स वर्ब्स को, वर्ब्स मीन्स एक्शन, जो भी एक्शन हम करते हैं. ओके, और या फिर एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव जो चीज़ों की विशेषता बताता है, या फिर और एडवर्ब्स को जो मॉडिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं उन्हें एडवर्ब्स कहते हैं. ओके, क्लियर? सो वर्ड्स लाइक, अगेन आई रिपीट, द वर्ड्स दैट टेल्स अस व्हेन, वेयर, हाउ एंड हाउ ऑफन एन एक्शन टुक प्लेस. जो वर्ड बताता है कि कोई भी एक्शन या कोई भी काम कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है और कितनी बार हुआ है. दीज वर्ड्स आर नोन एज एडवर्ब्स. क्लियर? सो व्हेन, लाइक व्हेन में कौन कौन से वर्ड्स, लाइक आफ्टर, बिफोर, अर्ली, नाउ, सिंस, सून, टुडे, टुमारो, ये इस तरह के वर्ड्स हैं. ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? When. These words give the answer of when. Next, where. Where means kahan. Like above, below, everywhere, far, here, inside, near. ये जो words हैं ये भी, या इनसे हमें answer मिलता है where का, मतलब कोई भी action कहाँ हुआ है. Next, how means कैसे. Calmly, beautifully, excitedly, happily, joyfully, sadly, slowly. So these types of words come give the answers of the question how. The next is how often, मतलब कितनी बार हुआ है, like always, हमेशा होता है, daily, रोज होता है, frequently, never, once, rarely, seldom, sometimes. तो ये सारे words answer हमें देते हैं question का how often. Okay, clear? So I hope the topic adverb is clear to you. In the next video, we will study what are the different kinds of adverbs. जैसे nouns हैं, verbs हैं, ये अलग अलग types में divided हैं, वैसे adverbs के भी different types हैं.
in the next video, we will be studying the different kinds of adverbs. Till then, you have to learn the definition, students, and then you have to read out the examples. जब आप बार बार examples revise करोगे तो आपको ये clear हो जाएगा. अब आप एक और काम कर सकते हो, you can open your marigold book और कोई भी story आप ले लो, वो story पढ़ो और उनमें आप adverbs find करो. जैसे मैंने जो जो words बताए हैं वैसे कुछ common words आपको उन stories में मिलेंगे, है ना? तो आपको उनको अंडरलाइन करना है, चाहे आप सिर्फ वन पेज रीड करो और उसमें फाइंड आउट करो कि कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं. क्लियर? सो यू कैन प्रैक्टिस दिस वे. इन द नेक्स्ट वीडियो विल मीट विद द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. टिल देन हैव अ नाइस डे. थैंक यू.